कोरोना वायरस की चर्चा हर कहीं हो रही है। हाल ही में इसके तेजी से फैलने की बात भी सामने आई है। एशिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन में 5 जनवरी को कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की तो मृत्यु भी हुई थी। इस वायरस के तेजी से फैलने के कारण भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले पर्यटकों को थर्मल स्कैनर के जरिए जाँच के निर्देश दिए हैं। इस वायरस की एहतियात के लिए उठाए गए कदमों को देखकर साफ है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप कोरोना वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो WHO ने तेजी से फैल रहे इस वायरस को सी फूड से जोड़ा है। कोरोना वायरस से लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि विषाणुओं का एक समूह जो शरीर को सीधा इफेक्ट करता है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित कई पशुओं में फैल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की है कि कोरोना वायरस बेहद नज़दीकी संपर्क में रहने वाले दो इंसानों में एक से दूसरे में संक्रमित हो सकता है। और इस वायरस के फैलने की शुरुआत चीन से हुई है। चीन के हुआई प्रांत के वुहान शहर में उसका सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला है। चीन के साथ ही जापान, थाईलैंड, सिंगापुर में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। इंग्लैंड में एक ही परिवार के 3 सदस्य किसी वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO ने इस खतरनाक वायरस के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। कई देशों में इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से अब तक यूरोप और सेंट्रल ईस्ट में इस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 33 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस के नाम में से कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है क्राउन। दरअसल इस वायरस के ऊपर क्राउन की तरह कई कीले होती हैं, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है। 2019 NCOV कोरोना वायरस ने अब तक भारत में भी दस्तक दे दी है। केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि केरल का जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है वह चीन के वुहान यूनिवर्सिटी का छात्र है। अभी तक कोरोना वायरस के फैलने का कारण पता नहीं लगा है। यह वायरस का बड़ा ग्रुप है जिसमें कुछ मरीजों को बीमार कर रहे हैं तो वहीं कुछ जानवरों में फैल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन के हुआई प्रांत वुहान शहर में इसके फैलने का बड़ा कारण यह था कि उन लोगों का कहीं ना कहीं सी फूड और जानवरों के बाजार से संबंध था, इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह यहाँ से शायद जानवरों से आया है। और कोरोना वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो व्यक्ति को बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।